नाज़रीन, आज हम एक खसूसी रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रियासत तेलंगाना में आज से शराब की दुकानें खोल दी गई। सुबह 8-8:30 बजे से मैनोशों की खतारें शराब की दुकानों के रूबरू देखी गई। ये कहा जाए तो गलत नहीं कि दो बूंद के लिए दो कदम की दूरी कुर्बान कर दी गई। कोई सोशल डिस्टेंसिंग देखने में नहीं आई। एक के ऊपर एक गिरा जा रहा था ताकि सबसे पहले उसे शराब मिल जाए। आज कई एक नज़ारे देखने में आए। ऐसा लग रहा था कि लोग पीकर बहकते हैं, ये सिर्फ ख़रीदने के लिए बहक गए थे। आप ऐसे नज़ारे हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज, जिसे देखने के बाद हैरत करेंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम इससे पहले ऐसे नज़ारे नहीं देखे थे। आज कई एक मनोश दुकान के रूबरू ठहर कर पूजा करते हुए दिखाई दिए। शराब की दुकान की पूजा की जा रही थी, नारियल फोड़े जा रहे थे और वहाँ ठहर कर KCR जिंदाबाद और KCR थैंक यू के नारे लगाए जा रहे थे। पहले आप ये सुनिए। देखा आपने, इसी तरीके से एक और मुकाम पर शराब की दुकान खुलने से पहले ऐसा लग रहा था कि शराब सर चढ़कर बोल रही है। बिना पिए एक शख्स शराब के सामने नाश्ता हुआ नजर आया। देखिए ये भी मंजर। यहाँ रिंद है, यहाँ सब का साकी इमाम है, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दू, यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले जर्फ का काम है। अब देखिए शराब की दुकान खुलने के बाद क्या हुआ। हाथ में शराब की बोतल लिए नाश्ता हुआ ये शख्स। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या, अरे होता है क्या, होता है क्या, आग पानी में लगा दे शराबी, देख फिर होता है क्या। गल गया लपिला दे शराब ऐसा पी, आज पीने दे और पीने दे, कल करेंगे हिसाब ऐसा पी। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराब, एक फिर होता है क्या। ये तो थी शराब खरीदने से कबल की बात। शराब खरीदने के बाद मैनोशी करने के बाद क्या हुआ, दो ऐसे वाकयात आज देखने में आए हैं जिसे देखकर हम हैरत ज़्यादा हो गए। एक शख्स जो मनोशी करने के बाद अपने माँ बाप से उलझ पड़ा, वो ब्लेड लेकर अपने जिस्म को काटना शुरू किया। अपने हाथ पर वो ज़ख्म लगाए, अपने सीने पर ज़ख्म लगाए, जिसके सबब लहूलुहान हो गया। पुलिस को तलब किया गया और उसे दवाखाना भेजा गया। देखिए ये भी मंजर। ये दौलत ये शोहरत ये बच्चे भी ले लो, ये दौलत ये शोहरत ये बच्चे भी ले लो, भले छीन लो मुझसे साइकिल पुरानी, मगर मुझको लौटा दो छुड़वा वो फली, वो चाकने के डुब्बे वो पाकिट का पानी। अरे मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो कंपाउंड जिसमें की गुजरी जवानी, वो गमला के हाथों में चूड़ियों का जोड़ा, वहीं से मंगाते थे हम भी पकोड़ा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो जंगल में जाना वो चंबू में पानी। अरे दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। यही नहीं, एक और शख्स जो मनोशी करने के बाद
खुद को बादशाह वक्त समझने लगा था, उसकी गाड़ी के सामने जब सांप आया तो नशे की हालत में उसने उस सांप को उठाकर अपने दांत से टुकड़े टुकड़े कर डाले। देखिए ये भी मंजर। न जाने क्यों नौजवानों में इश्क का हौसला नहीं होता, ये सरासर गलत है कि बूढ़ों में प्यार का वलवला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिल पिला नहीं होता। तो मुझे भी मैं अपना फ्यूचर बनाना सोच रहा हूँ, शहर में रिक्शा चलाना सोच रहा हूँ। वो ईद जाके फिर ईद आ गई, अब तो कैसा भी नहाना सोच रहा हूँ। कल हमारे सुसरे सास को खूब पीटे करके शेर को फूला पिलाना सोच रहा हूँ। 40 दिन तक शराब की दुकानें बंद रखने के बाद आज जब ये दुकानें खोली गईं तो इस बात से ये तो पता चला कि शराब पीने वाले 40 रोज तक बिना शराब के रह सकते हैं, लेकिन हुकूमतें नहीं। जिस तरीके से दुनिया भर में कोविड-19 के सबब लॉकडाउन है और मईशत तबाह हो रही है, उसके चलते हुकूमतों ने ये सोचा कि शराब की दुकानें खोल दी जाएँ। 70% कीमत में इजाफा करने के बाद जब शराब की दुकानें खोली गईं तो आज शराब की दुकानों के रूबरू ये मंज़र देखने में आए। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या औरत, क्या मर्द। एक सिमत मर्द हजरात की खतारें देखी गई तो एक सिमत औरतों की खतारें देखी गई। किसी दुकान पर गरीब ख़वातीन थीं तो किसी दुकान पर अमीर ख़वातीन थीं। कोई 3 बोतल हाथ में उठाकर खातून जाते हुए देखी गई तो एक खातून कार्टून उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर ले जाते हुए देखी गई। देखिए ये भी मंजर। अब के साल बारिश में जब वो आएगी मिलने, हमने सोच रखा है कवेलू छवाले में, बोरिये बिछा देंगे शोख तेरे कदमों में और सेंधियों के झाड़ों से लुट्टियां उतारेंगे। आहने कलेजे को चुड़वे की जरूरत है, उंगलियों से जो टपके चाटने की हाजत है। आप विस्की और रम के हम संवारिए साहब, गुड़म्बे के पाकिट को आप क्या संभालेंगे। अरे दो गुण मुझे भी आधे शहरा के, एक दिल होता है क्या, अरे होता है क्या। ढल गया आफताब है साथी, पिला दे शराब है साथी, आज पीने दे और पीने दे, कल करेंगे हिसाब है साथी। या सुराई लगा मेरे मुंह से या उलट दे नखाब है साथी, दो घूंट मुझे भी आ दे। फाइव फाइव साल इच्छा कौन घूंट रहा हूँ? इन्हीं रोज तरह दी जो दरकिन दी इन्हीं रोज मुरोन नेल तरवा था। हाँ, कब रेटला कर भी सुन्दी ఇప్పుడు ఇది దొరుకుతుంది కాబట్టి ఎట్లా కనిపిస్తుంది? ఎట్లా కనిపిస్తుంది? ఇయ్యాలనే సొరు కదా సార్, ఇయ్యాలే కదా. ఎంత వచ్చింది అది? ఇక 300 చిల్లరే తీసుకున్నాడు. चुपके रात दिन लोटी उठाना याद है हमको, अब तक कम पौंडों का वो जमाना याद है। खैच लेना वो मेरा चाटने का डुप्पा दफतन और दुपट्टे में तेरा छुड़वा छुपाना याद है। तो घूंट मुझे भी आधे शराबी, एक दिल होता है क्या।
इन सब के बीच हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुख्तलिफ महलों में शराब की दुकानों का दौरा किया और वहाँ के इंतज़ाम देखे। बाज़ मुकामात पर शराब की दुकान पर यह लिखा था कि अगर मास्क ना हो तो शराब नहीं दी जाएगी, जो हुकूमत ने मास्क लगाना ज़रूरी करार दिया है, वरना आज कई एक के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। बहरहाल सिटी पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि कोविड 19 को अगर हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, इसलिए दूरी बनाए रखें, और इसमें उन्होंने आवाम के साथ की अपील की है। अब देखना ये है कि शराब की दुकानों में दूरी बनाई जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये आज की हमारी खसूसी पेशकश आपके लिए, ऐसे ही कई एक मुख्तलिफ खबरें हम पहुंचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है घर में रहें, 29 मई तक लॉकडाउन की तौसी की गई है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने अफराद खानदान की सेहत का ख्याल रखें।